दोस्तों मात्र 50 रुपया में एक मिनी चेंज ओवर स्विच बना लोगे। अभी देखिएगा मेरे पास ये जनरेटर की सप्लाई जा रही है, इसको लाइन पे करना हो तो ऊपर की तरफ हम जैसे करेंगे इस स्विच को, देखिएगा फुल रोशनी में लाइन की सप्लाई से ये जल रही है। अगर फिर अगर जनरेटर में करना हो तो यहाँ नीचे की तरफ हम करेंगे तो जनरेटर की सप्लाई में ये जलने लग रही है। इसको कैसे हम बनाए हुए है एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझा कर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि हम एक मिनी चेंज ओवर स्विच बनाए हुए हैं। इसको बनाने के लिए आप टू वे इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लीजिएगा, उसके बाद में आप टू वे स्विच ले लीजिएगा जो 3 टर्मिनल वाला स्विच रहता है। इस प्रकार का 2 स्विच आप ले लीजिएगा और इस दोनों स्विच को आप यहाँ पे स्क्रू लगाकर कस लीजिएगा। जब इस दोनों में आप स्क्रू लगाकर कस लीजिएगा उसके बाद में अब इसमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है तो दोनों स्विच में आपको 3-3 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो घर में हमारा लोड सेटिंग के लिए वायर जाएगा उसको कनेक्शन करेंगे। तो उसको कनेक्शन करने के लिए हम 2 तार लेंगे, कोई भी कलर का हो चलेगा। तो यहाँ पे हम 2 तार ले लिए और जो घर में लोड जाएगा उसके लिए यहाँ पे जो देखिएगा इस स्विच में बीच में जो टर्मिनल है एक एक टर्मिनल पर एक एक वायर को कस देना है। तो इस प्रकार एक तार को बीच वाला में कस दीजिएगा किसी एक स्विच पे, उसके बाद में दूसरे स्विच पे फिर से आप बीच में एक तार को यहाँ पे लगाकर कस दीजिएगा। अब इस नट को यहाँ पे टाइट कर दीजिएगा। तो ये घर में जो हमारा लोड सेटिंग के लिए सप्लाई जाएगा यहाँ पे हम 2 तार को कस लिए। अब इसमें जनरेटर और लाइन के लिए 2-2 तार कसना है। अब इसमें जनरेटर और लाइन के लिए 2-2 तार कसना है। तो नीचे आप जनरेटर का कसिए या ऊपर कसिए लेकिन आपको 2-2 तार कसना है। तो जनरेटर के लिए हम पीला कलर का 2 तार यहाँ पे ले लिए। तो एक स्विच की एक टर्मिनल पे नीचे की तरफ जैसे यहाँ पे हम एक तार को यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद में पीला कलर का दूसरी वाला तार को दूसरे वाला स्विच के नीचे की तरफ ही लगाएंगे। इस प्रकार दोनों तार को नीचे की तरफ ही लगाएंगे और इस स्क्रू को बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो ये जनरेटर की इनपुट वाला 2 तार हो गया। उसके बाद में अब इसमें हम लाइन की सप्लाई इनपुट के लिए देंगे। तो लाइन की सप्लाई के लिए यहाँ पे 2 तार हम रेड कलर का ले लिए और 2 देखिएगा टर्मिनल ऊपर की तरफ अभी खाली है। एक एक टर्मिनल पर एक एक तार को यहाँ पे हम लगाकर स्क्रू को टाइट कर देंगे। इस प्रकार जो रेड वाला तार है दोनों तार को यहाँ पे हमने कस दिया। ये हमारा लाइन की सप्लाई के लिए हो गया और जो पीला कलर है ये जनरेटर की इनपुट सप्लाई के लिए हो गया और जो मेरा घर में लोड सेटिंग के लिए ये जाएगा आउटपुट तार वो 2 कलर का ये बीच वाला तार है ये घर के लिए हो गया। उसके बाद इसका कनेक्शन 100% ओके हो गया। ये 6 एम्पियर का एक स्विच है, 6 एम्पियर से 8 एम्पियर तक बहुत आसानी से इस स्विच पे हम लोड दे सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पे इस पीछे वाला बॉक्स में आप एक छोटा सा होल कर दीजिएगा और होल के रास्ते से इसमें सभी तार को आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे 6 तार है, 6 तार को हमने बाहर निकाल दिया। इसका कलर हमने बहुत अच्छी से याद है कि कौन सा कलर किस में लगेगा, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 स्क्रू को लगा देना है। तो इसका कनेक्शन तो 100% हो गया लेकिन इस स्विच को अगर हम बारी बारी यहाँ से ऑन करें ऑफ करें तो सप्लाई में दिक्कत होगी। तो इसलिए इस पे हम छोटा छोटा 2 PVC का टुकड़ा लेंगे जो हार्ड हो, जो एक ही बार हम एक स्विच को अगर गलती से दबाया तो दोनों स्विच ऑन हो और दोनों स्विच ऑफ हो। तब हम 2 PVC का टुकड़ा लेंगे जो बहुत हार्ड हो, इसको इस स्विच पे हम चिपकाएंगे। कैसे चिपकाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट आपको पतला पतला में देखने की लाइनिंग मिलेगा। इस लाइन के बगल में यहाँ पे इसको हम चिपका देंगे और दूसरी जो PVC का टुकड़ा है सेम तरीका से इसको यहाँ पे हमने चिपका देंगे। तो इस प्रकार दोनों PVC का टुकड़ा को हम यहाँ पे बढ़िया से चिपका दिए, फेविक्विक से आप चिपका दीजिएगा। तो आप इस स्विच को आप एक ही बार में ऑन कीजिएगा तो ऑन होगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑफ होगा। यानी ऑन की स्थिति में हम लाइन की सप्लाई दे देंगे, ऑफ की स्थिति में हम जनरेटर का सप्लाई दे देंगे।
इसमें पूरी तरह लाइन को कट आउट करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। एक तरफ लाइन की सुविधा तो दूसरी तरफ जनरेटर की सुविधा, इससे हम लाइन को कट नहीं कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ हम लाइन को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको चेंज ओवर स्विच हम बनाए हैं। तो चलिए इसको हम लोड सेटिंग और लाइन की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई देकर आपको दिखाएंगे। दोस्तों जितना कनेक्शन करना था उतना कनेक्शन हम इस चेंज ओवर स्विच से हम कर दिए। पीला वाला तार में जनरेटर का तार को हम जोड़ दिए और रेड वाला तार में हम बिजली का जो कनेक्शन सप्लाई आता है उसका हम जोड़ दिए। और ये दो कलर का कथक और हाला कलर का हम निकाले थे आउटपुट के लिए, लोड सेटिंग के लिए। उस पर हम 100 वाट का बल्ब को लगा दिए। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देते हैं। तो अभी देखिएगा इसमें सप्लाई दे दिए, अभी पूरी तरह डिम जलता है। ये जनरेटर की सप्लाई के लिए इस पर लोड दिए, सीरीज बोर्ड से हम इसको लोड दिए। अगर इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 100 वाट की बल्ब पूरी हाई स्पीड से जल रहा है, फुल रोशनी के साथ जल रही है, यानी इसका बिजली का कनेक्शन हो गया। अगर बिजली की लाइन चली जाती है तो अगर जनरेटर से हमको कनेक्शन करना हो तो यहाँ से इस स्विच को हम नीचे की तरफ कर देंगे तो ये जनरेटर से सप्लाई से चलने लगेगा। फिर अगर जनरेटर बिजली का कनेक्शन चलाया, बिजली पर करना है तो हम ऊपर की तरफ कर देंगे तो बिजली की सप्लाई चलने लगेगी। तो इस तरह दोस्तों नॉर्मली हम बहुत कम खर्चा में इसको तैयार करके बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, मात्र 50 रुपये के खर्चे में इस चेंज ओवर स्विच को आप अपने घर पे बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिल गई हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।